दोस्तों भाई और बहनों नमस्कार। मैं वैद्य विनोद कुमार शर्मा एक बार फिर नई वीडियो लेकर आया हूं जो जिसको बोलते हैं बथुआ। ये बथुआ है, ये उष्णकटिबंधीय देश प्रदेश तथा एशियाई देशों में सभी में बहुत ज्यादा मिलता है और जहां गेहूं पैदा होता है वहां ये गेहूं की फसल में हमेशा मिलता है और इसको नेपाल में अलग भी बोलते हैं तथा आप इसको पहचानिए ये किस तरह का इसका पत्ता होता है और इसको इसकी लंबाई इस पेड़ इसके बथुए के पेड़ की लंबाई 3 मीटर तक भी हो जाती है। ये हमें बहुत ही शरीर के लिए लाभदायक है तथा ये खाने के लिए इस ऋतु में हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। भाइयों बहनों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और परिवार को अस्पतालों में लाइन लगाने से बचाइए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनसे उन्हें पूरी जानकारी मिल सके। मैं दुनिया में मिलने वाली सारी वनस्पति सारे फल सारे सब्जी सारी जड़ी बूटियों के बारे में और कौन सी किस रोग में काम आती है किससे जल्दी ठीक हो सकता है मैं सारी आपको बारी बारी से बताऊंगा। तो भाइयों बहनों इसको बथुआ बोलते हैं और जहां जहां भी गेहूं पैदा होता है उस क्षेत्र में ये षड्यंत्र में बहुत ज्यादा पैदा होता है। हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा पैदा होता है। इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं वो लैम्बस क्वार्टर्स बोलते हैं और इसका वनस्पतिक नाम जो है वो है चलोपोडियम एल्बम। तो भाइयों बहनों इसका तासीर गर्म होता है। ये एक ऐसी सब्जी है ऐसा साग है कि इसके तासीर गर्म होता है और ये इसको हम शरद ऋतु में परांठों के साथ और चाय के साथ एक अगर मान लिया भूख में 2 रोटी की है 2 परांठे उसकी जगह हम 4 परांठे भी खा लेंगे सब्जी भी हो और इसको रायते के रूप में भी पूरी गर्मियों में इसको यूज किया जाता है और ये मिलके सरसों और पालक के साथ मिलके बहुत ही टेस्टी साग भी बनता है जो शरद ऋतु में हम सभी को खाना चाहिए। तो इसमें बहुत ही विटामिन्स और खनिज लवण भरपूर मात्रा में है जो कि हमारे भाई इसको कम जानते हैं और हम इसको मैं तुम्हें बताता हूं कि इस बथुए में कितना कितना क्या क्या चीज होती है। इसमें 84% 100 ग्राम में 84 ग्राम पानी ही होता है और बाकी के इसमें विटामिन और खनिज लवण भरपूर मात्रा में होते हैं। जैसे विटामिन ए 11,300 आयु, ये आयु से नापा जाता है विटामिन ए। कार्बोहाइड्रेट 7.3 ग्राम, कैल्शियम 309 मिलीग्राम, आयरन 1.2 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 34 मिलीग्राम, मैग्नीज 0.782 मिलीग्राम, आयरन मिलीग्राम, फास्फोरस 72 मिलीग्राम, पोटेशियम 452 मिलीग्राम, सोडियम 43 मिलीग्राम, जिंक 0.44 मिलीग्राम, विटामिन सी 80 मिलीग्राम, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 सब मिलाकर के 2 मिलीग्राम। ये हमारे शरद ऋतु में होने वाली सारी बीमारियों को दूर करता है। कफ पित्त और वात तीनों चीजों के लिए ही ये नाशक है। हमें कोई भी बीमारी हो कफ से संबंधित हो पित्त से संबंधित हो वात से संबंधित हो सभी में हमारे लिए बहुत ही यूजफुल लाभदायक है। इसलिए हमें इसको बहुत ही जरूरी है खाना, इसको हमें जरूर खाना चाहिए तथा ये कई बीमारियों में भी हमें अलग तरीके से लाभ करता है। जैसे लीवर को ठीक रखता है, इसको लगातार खाने से लीवर को ठीक रखेगा, पथरी होने से बचाएगा और ये
शुक्रवार दादी है, जिन भाई बहनों को परेशानी है बच्चे नहीं हो रहे हैं वो भी इसको लगातार यूज करें तो फायदा होगा, पेट को भी ठीक रखता है और पेशाब भी जलन कम करता है, पेट साफ करता है, बवासीर को भी ठीक रखता है और ये कीड़े भी खत्म करता है जो पेट के कीड़े होते हैं, आंखों की सूजन दूर करता है और इसके बीजों को खाने से पित्त ठीक होती है और दांत खाज खुजली अगर किसी को है तो इसके रस पीने से फायदा होता है, पेशाब खुलकर आता है तथा सर्दियों में होने वाली सारी बीमारियों के लिए रामबाण है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है, उनको भी ठीक रखता है, ताप वजन भी कम करता है और खून भी साफ करता है, अगर इसका हम जूस लगातार रोज पिए तो हमारा खून साफ हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन भाई बहनों को एलर्जी है वो इस बथुए को दूर रहे, इस बथुए से का यूज ना करें। एलर्जी आजकल हम लोगों को अनाज से भी हो जाती है तो ये एलर्जी का आजकल पूरी दुनिया में सिस्टम चल रहा है, तो इसलिए और इसको हिसाब से ज्यादा ना खाएं, अगर लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो पेट दर्द भी हो सकता है और दस्त भी हो सकते हैं। धन्यवाद।